जंगल में एक गधा रहता था। एक दिन वह बरगद के पेड़ के नीचे लेटा था। लेटे लेटे वह सोचने लगा, यदि धरती फट गई तो मेरा क्या होगा। अभी उसने ऐसा सोचा ही था कि उसे एक धमाका सुनाई दिया। उसने इधर उधर देखा तो पाया कि एक जगह धूल उड़ रही है। वह भयभीत हो उठा। भागो भागो, धरती फट रही है। ऐसा कहते हुए गधा भागने लगा। रास्ते में उसे एक सियार मिला। उसने पूछा, अरे भाई क्या हुआ भाई, तुम इस तरह क्यों भागे जा रहे हो। भागो भागो, धरती फट रही है, भागो। ऐसा चिल्लाते हुए गधा भागता रहा। धरती के फटने की बात सुनकर सियार भी डर गया। वह भी गधे के साथ भागने लगा। रास्ते में एक बंदर ने दोनों को बेतहाशा भागते देखा तो उन्हें रोक कर पूछना चाहा। सियार ने भागते भागते ही कहा, भागो भागो, धरती फट रही है, भागो। धरती के फटने की बात सुनकर बंदर कांपने लगा। वह भी गधे और सियार के साथ भागने लगा। जिस रास्ते से तीनों भागे चले जा रहे थे, उसी रास्ते से एक हाथी गुजर रहा था। गधा, सियार और बंदर को एक साथ भागते देखा तो उसे लगा कि कोई दौड़ प्रतियोगिता हो रही है। हाथी अभी कुछ पूछता कि उससे पहले बंदर बोल पड़ा, हाथी दादा भागो, धरती फट रही है, जल्दी भागो। हाथी के पांव फूलने लगे। वह भी उन सबके साथ भागने लगा। बंदर की बात पेड़ों पर बैठे पक्षियों ने सुनी। डर के मारे वे सब भी चीखने चिल्लाने लगे, ची ची काऊ काऊ। जंगल में चारों ओर शोर मच गया। शोर सुनकर जंगल का राजा शेर अपनी गुफा से बाहर निकला। तब तक गधा, सियार, बंदर और हाथी गुफा के पास आ चुके थे। शेर ने गरजते हुए पूछा, ये क्या पागलपन है, कहाँ भागे जा रहे हो तुम सब। महाराज धरती फट रही है, आप भी अपने प्राण बचाइए। झुंड में सबसे आगे खड़ा बंदर बोला, किसने कहा, किसने देखा। शेर ने प्रश्न किया। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। हाथी सूंड हिलाते हुए बोला, महाराज मुझे तो यह बात बंदर ने बताई थी। बंदर ने कहा, महाराज मैंने तो यह बात सियार से सुनी थी। सियार ने कहा, महाराज मुझे तो गधे ने बताई थी, इसी ने कहा था कि धरती फट रही है। तुम्हें कैसे पता चला कि धरती फट रही है। शेर ने गुस्से से घूरते हुए गधे से पूछा, मैंने अपने कानों से धरती के फटने की आवाज सुनी है महाराज। गधे ने डरते हुए उत्तर दिया, ठीक है मुझे उस जगह ले चलो और दिखाओ कि धरती कहाँ फट रही है। गधा शेर को उस ओर ले जाने लगा जिस ओर से धमाके की आवाज आई थी। बाकी जानवर भी उनके पीछे हो लिए और डरते डरते उस ओर बढ़ने लगे। बरगद के पेड़ के पास पहुंचकर गधा बोला, महाराज मैं यहीं लेटा था कि तभी अचानक जोर से धरती के फटने की आवाज आई। शेर ने आसपास जाकर देखा। वह सारा मामला समझ गया। उसने दहाड़ लगाई, अरे मूरख, यहाँ नारियल का एक लंबा पेड़ है, तेज हवा चलने से पेड़ पर से नारियल टूटकर नीचे गिरा होगा, इसी से जोर की आवाज आई होगी और धूल भी उड़ी होगी, तब तुमने समझ लिया होगा कि धरती फट रही है। गधे को अपनी नादानी समझ में आ गई। उसने सिर नीचा कर लिया। सियार ने आगे बढ़कर कहा, हमें माफ कर दीजिए महाराज, हमसे भूल हो गई। शेर दहाड़ा, भूल के बच्चे, अपनी बुद्धि से भी काम लिया करो,
अफवाहों पर ध्यान दोगे तो इसी तरह जीवन भर भागते ही रह जाओगे। इतना कहकर शेर गुफा के अंदर चला गया। इधर गधा सबसे माफी मांगता फिर रहा था। हमें माफ कर दो भाई। नहीं चूं, नहीं चूं। हमें माफ कर दो। नहीं चूं, नहीं चूं।